बाकी हम लोग आए थे काम करवाने, फिर इन्होंने बोल दिया कि चलो हमारे साथ। स्वागत है आपका हमारे एक नए व्लॉग में। दोस्तों आज का व्लॉग मैं सुबह 11 बजे स्टार्ट कर रहा हूँ, भाई साहब मस्त धूप लग गया चारों तरफ। और दोस्तों आज का हमारा काम है, आज है मंडे, तो आपको पता है कि आपका भाई हर मंडे को ना सोमवार को व्रत रखता है। तो दोस्तों आज हम लोग चलेंगे शिवजी भगवान के मंदिर। अभी तो मैं बहुत ज्यादा मतलब लेट हो गया हूँ, क्योंकि सुबह से ना काफी ज्यादा काम था, मैंने पूजा पाजा करी, उसके बाद थोड़ा खेत का भी काम था तो वो कर लिया। और एक बात और है कि मेरे को ना सत्संग में जाना है धारमानपुर, तो मैंने सोचा था दोनों काम एक साथ ही कर लूंगा, मंदिर भी काम करवा के आ जाऊंगा और साथ में शिवजी भगवान की भी दर्शन कर लूंगा। चलो मम्मा ने मेरे लिए बना दिए आलू, तो आलू खा के चलते हैं। सुबह से कुछ भी नहीं खाया तो अभी ना पेट में ऐसे एकदम चूहे दौड़ रहे हैं। दोस्तों आलू ना बहुत ज्यादा स्वाद हो रहे कसम से, अभी तो गर्म है, मैं थोड़े थोड़े खा रहा हूँ। और दोस्तों आज लास्ट सत्संग है और रात को ना जागरण भी है उधर, तो जागरण तो क्या पता हम लोग देखें या नहीं देखें, बाकी अभी चलते हैं और काम कुम करवा के उसके बाद आ जाएंगे, फिर रात को सोचेंगे। यार मजा आ गया यार। आज विश्वनगर सबसे पहले चली गई है और अंजलि बची है। अंजलि गई थी ट्यूशन पढ़ने, तो ये पढ़ाई करके अभी आई, तो ये अभी जाएगी मोहल्ले की लड़की के साथ। और कौन है तेरे साथ? हाँ मोहल्ले की आंटी होगी गाइज। तो चलो गाइज मैं अब निकल गया हूँ घर से, बाकी चलो अब चलते हैं और शिवजी भगवान के दर्शन करते हैं। और साथ में ना मैं पावर बैंक लेके जा रहा हूँ। और आज दोस्तों ना काफी ज्यादा धूप हो रही है, कल के मुकाबले आज ज्यादा धूप है, मतलब मैं इतना सा चला हूँ और थोड़ा थोड़ा पसीना पड़ने लग गया है। बाकी अंजलि और मोहल्ले की आंटी जी वो चली गई आगे। फाइनली मैंने कर लिया यार शिवजी भगवान के दर्शन, बाकी पहुंच गया हूँ यार मंदिर में जहाँ सत्संग हो रहा है। तो चलो चलते हैं और करते हैं यार काम कुम करवाते हैं उनके साथ। बाकी ये देख लो यार आज उतने ज्यादा लोग नहीं है यार, कल ना बहुत ज्यादा लोग थे। तो चलिए दोस्तों अब काम तो कर लिया सारा, बाकी अब थोड़ा सत्संग देखते हैं उसके बाद चलते हैं भाई। चलो चलो ढोल लिया हूँ गाइस, ये ढोल बजाएगा लड़का। चलिए गाइस चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ यार क्या कर रहे हैं, मेरे को खुद ही नहीं पता यार क्या कर रहे हैं। बाकी सारे लोग जा रहे हैं कहीं, पावर बैंक कहाँ है मेरा? हाँ गाइज, अभी ये लोग पहुंच गए यार इधर बोली पे, ये कुछ कर रहे हैं। तो चलिए नीचे मैं आपको दिखाता हूँ यार क्या कर रहे हैं ये लोग, मेरे को खुद ही नहीं पता गाइज कि क्या कर रहे हैं भाई। बाकी हम लोग आए थे काम करवाने, फिर इन्होंने बोल दिया कि चलो हमारे साथ। और व्यू चेक करो भाई कितना तगड़ा व्यू हो रहा है यार गाइज, इधर से दिखाता हूँ आप लोगों को भाई। फाइनली गाइस हो गया जो भी कर रहे थे ये लोग, अभी वापस आ गए यार भाई, व्यू चेक करो गाइस। अभी मैं धारमानपुर आ गया हूँ और यार मेरे को ना इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी, तो मैंने ना तरबूज लाया उधर से, बाकी लड़के ने उठा रखा, ये नंगे पाँव ही है लड़का, ये उधर गया था उनके साथ वो माता मुता का कुछ करने, तो फिर मेरे साथ आ गया। तो चलिए खा लेते हैं यार, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है दोस्तों यार कसम से, ऐसे हो रहा ना पेट में से चूहे उछल रहे। नमक डाला डालो फिर अपना अपना डालो अलग अलग। गाइस जहाँ पे आज दाम लगे तो अभी हम दाम खाएंगे मजा आ जाएगा। चलो फिर निकालो, चल आखिर चल निकाल भाई खा। हमें पूछो हमें कैसा लगा? कैसा लगा? मस्त। चलो मस्त चलो हो गया। चलो फिर आओ चलो। बाकी चलिए गाइस चलते हैं और खाना खुना खिलाते हैं लोगों को, उसके बाद चलते हैं फिर घर। Oh,
गाइस हो गया सत्संग खत्म, बाकी अभी देखो लोग बैठ के यार खाना खाने। सो फाइनली गाइस अभी हम लोग आ गए यार उधर से भंडारा भंडूरा खा के, बाकी मैं अभी पहुंच गया हूँ घर। और है मेरे सामने घर, और मेरे साथ हैं काका और ये गोनी, गोनी नाम है ना, सुमित है ये। गाइस रात को भी जाएंगे, जाओगे ना जागरण में? मैं नहीं जाऊंगा यार कसम से, गाइस मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि यार मेरा मन नहीं यार, मैं व्लॉग भी एडिट करना है यार दोस्तों मेरे को। मैं इनको ना कसम से मैं नहीं जाऊंगा, माँ कसम नहीं जाऊंगा, ठीक है ठीक ठीक है गाइस मैं नहीं जाऊंगा कसम से मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि यार मेरे को ना थोड़ा काम है और मेरी हेल्थ भी ठीक नहीं है। वो हो जाएगी विशु जाएगी, इनकी ना वीडियो आपको दिखाऊंगा। नहीं विशु जाएगी गाइस, और अंजलि भी चली जाएगी, ये उसके साथ चले जाएंगे, मैं तो जाऊंगा नहीं यार कसम से नहीं जाऊंगा, प्रोमी भगवान कसम नहीं जाऊंगा यार। ठीक है बरा बाय बाय। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं भाई घर, और ये चेक करो यार ये तो पहले से आ गए जाना विशु, आज जागरण देखने जाएंगे गाइस ये लोग। गाइस हम तो जाएंगे नहीं यार रात को, कैंसिल है प्रोग्राम। बाकी पापा ने वो देखो नीचे बैल जोत रखे खेतों में, और ये देखिए अभी इनको ना 7-8 दिन हुए मक्कियों को बोए हुए, और इतनी इतनी निकल गई मक्कियां देखो जमीन में से, मतलब कि बारिश अच्छे से हो गई थी तो इसकी वजह से ये अच्छी फसल निकल रही है। और वो देखो सामने धान के बीज बोए थे, अभी धान भी इतने इतने बड़े पौधे निकल गए। पापा सुबह इधर काम कर रहे थे, मैंने पापा के साथ इधर खेतों में काम करवाया था, उसके बाद पापा अब नीचे चले गए। और दोस्तों आज ना पापा ने पूरा दिन बैल खेतों में जोत के रखे, ये 2 दिन का काम पापा ने ना 1 दिन में कम्प्लीट कर दिया, मतलब धूप में भी बैलों के साथ पापा खेत में काम कर रहे थे। और मैं आप सबको ना एक चीज दिखाना ही भूल गया, हम लोगों ने ना अपने घर की देखो रिपेयरिंग कर दी है, मतलब ये जो मैंने आपको दिखाया था ना इधर काम चल रहा था हमारे घर का, 1, 2, 3, 4 ये 4 दोस्तों हमने डंडे ना चेंज करवा के लगाए हैं, और साथ में ना थोड़ा हमने घर अपना थोड़ा ऊपर करा है, अब सही दिख रहा है घर। दोस्तों अभी रात का टाइम हो गया और मैंने देखो कॉफी बना लिया यार अपने लिए, और तो कुछ खा नहीं सकता, 2-3 घंटे निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल है, मैंने अपने रूम में खाना रखा है यार। ये देखो इधर गाइस रख दिया मम्मा ने खाना मेरे लिए, ये करसोड़ बनाई है, हमारी देसी सब्जी होती है पहाड़ की, मतलब नेचुरली जो जंगल में मिलती है, और साथ में ये है खमीरे गाइस, ये भी हमारे इधर मतलब जम्मू में बनते हैं खमीरे। तो दोस्तों आज के व्लॉग को मैं इधर ही रोक रहा हूँ, तो आई होप कि आपको हमारा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाकी भाई आपका मिलेगा कल आपसे एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी, सब हैप्पी रहो।